आगरा के अजनेरा में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, जहां बंद पड़े रिजॉर्ट में बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। तभी मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिस पर जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने 8 बदमाशों को पकड़ लिया। घटना आगरा के थाना अजनेरा के किरावली कस्बे की है, जहां कुछ बदमाश एक बंद पड़े रिजॉर्ट में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की तैयारी कर रहे थे। मुखबिर की सूचना के बाद थाना अजनेरा पुलिस सहित एसओजी व स्वॉट टीम ने की रिजॉर्ट की घेराबंदी कर ली, जिस पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग करते हुए 8 बदमाशों को पकड़ लिया, जिसमें से 2 बदमाश घायल हो गए। घायल बदमाशों को व सब इंस्पेक्टर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। बदमाशों के पास से 2 अवैध तमंचे, रायभा ज्वेलर्स लूटकांड की ज्वेलरी सहित नगदी बरामद की गई। घटना के बाद क्षेत्राधिकारी अजनेरा महेश कुमार व एसपी पश्चिम सत्यजीत गुप्ता मौके पर पहुंचे व घटनास्थल का मुआयना किया। सभी पकड़े गए बदमाशों पर मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है, जिनसे अन्य घटनाओं की भी पूछताछ की जा रही है। देखिए, जनपद में विगत दिनों जो चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसके क्रम में कई गैंग हम लोगों ने गिरफ्तार भी किया था, आज हमारी एसओजी टीम, स्वॉट टीम, सर्विलांस टीम और बरहन, अजनेरा, बसई, अरेला की टीम, इनके ज्वाइंट ऑपरेशन के उपरांत ज्वेलर्स के दुकानों में डकैती डालने वाले गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इन अभियुक्तों को गिरफ्तार के दौरान अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी हमले में 2 अपराधी हरिओम और नारायण दास, ये घायल भी हुए हैं। इनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। इन अभियुक्तों के निशानदेही पर काफ़ी मात्रा में सोने और चांदी के जवाहरात मिले हैं। 1,20,000 रुपया भी बरामद हुआ है। अवैध असलहे बरामद हुए हैं। ये अभियुक्त जनपद हाथरस के बागवदी गांव के गैंग है, जो ज्वेलर्स के दुकानों में रात्रि में डकैती डालने का काम करते थे। इन लोगों ने रायभा में लास्ट वीक हुई घटना को कबूल किया है और उस घटना में जो चोरी की गई, लूटी गई ज्वेलर्स ज्वेलरी है, वो सारी बरामद की गई है। इन्हीं गैंग ने थाना सदर बाजार के रोहता में 2 ज्वेलर्स के दुकान में की गई चोरी को भी कबूल किया है और उससे संबंधित माल जो है, पैसे बरामद हुए हैं। इस गैंग में जो लीडर है दिलीप उर्फ कालिया और उसका सदस्य हरिओम, इनके ऊपर मथुरा, हाथरस एवं अन्य जनपदों में भी मुकदमे पूर्व से हैं। ये गैंग नॉर्मली जनपद आगरा, हाथरस, मथुरा, फिरोजाबाद और राजस्थान के कई जनपदों में चोरी और लूट की वारदात को पूर्व में अंजाम दिया है। इन अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई पूर्व में हुई है। आगरा से दुष्यंत उपाध्याय की रिपोर्ट। कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि बीए, बीएड, बीकॉम, बीएससी बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान, फुल एसी रेस्ट हाउस, शादी, विवाह, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। अरे यार, जो सफर का चिरांद फैला रहे हो तुम, और सर जी चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे हैं। अरे तुम भुंजा कर रहे हो सफर, तुम कान खोल के सुनो, कौन ऐसी बैठी पुट्टी नहीं चाहिए, इसे पे चाहिए है भैया घरों का वॉल पुट्टी और पीओ की, जो रखे आपके घर को सालों साल नया। आई लाइक इट। ऐसा स्वाद और कहा जनाब, अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड, मऊरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट, जहां कम दाम में मिलता है 5 स्टार होटल वाला स्वाद, तो एक बार जरूर आए और ले बेहतरीन खाने का आनंद। शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड,
मोती होटल के पास स्टेशन रोड और रानीपुर।